लकड़ियाँ हमें मिल गई हैं, क्योंकि थोड़ी सी मोटी लकड़ी चाहिए इसलिए ढूंढना पड़ रहा है। आई थिंक ये वाले भी ठीक है। काफ़ी रही है, आई थिंक एक टाइम का खाना तो बन ही जाएगा। पहले के लोग कितना मेहनत करते थे ना, चूल्हा बनाओ, लकड़ियाँ इकट्ठी करो। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जब हम मिट्टी लेकर आ रहे थे, हमने आपको एक हिंट दिया था कि हम कुछ क्रिएटिविटी करने की सोच रहे हैं। तो ये है वो क्रिएटिविटी। देखिए, बेस रेडी हो गया है और आप समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो ये बन रहा है चूल्हा। इसमें हमने मिलाया है मिट्टी और थोड़ा सा गोबर गाय का और थोड़ा सा भूसा, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि ये चीज़ें मिलाते हैं, पर लाइफ में पहली बार पूरा चूल्हा मैं बना रही हूँ। लेकिन क्योंकि पहले एक बार मुझे याद है बचपन में जब हम अपने गांव में जाते थे, तो जब नानी लोग चूल्हा बनाते थे ना, तो हम उसको लीपते थे और थोड़ा जब वो बनाते थे तो कभी कभी हेल्प भी कर देते थे। तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया तो है, पर देखते हैं अब कैसा बनता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बेस भी थोड़ा पतला हो गया है। बट देखते हैं, आई थिंक कल तक ये सूख जाएगा। और पहले इसको बेस को शायद पहले बेस रेडी करना होता है, उसके बाद हम सेकंड फेज़ में जाते हैं। तो कल इसको देखते हैं कि इसका सेकंड फेज़ कहां तक रेडी होता है और फिर वो हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट फेज़ हमने ये रेडी कर दिया था कल, लेकिन इसको शूट नहीं किया था क्योंकि इसको सूखने में टाइम लग रहा था। अभी हाइट इसकी हमें देनी है थोड़ा और ऊपर तक हम इसे बनाएंगे, लेकिन अगर एक साथ बनाते तो शायद ये पूरा ही नीचे गिर के आ जाता, इसलिए हमने इसको पूरा नहीं बनाया कल। आज अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकती, और सच में बहुत मेहनत का काम है ये, बहुत मेहनत लगती है, बट स्टिल इतना तो बन गया है। और देखते हैं कि अब ये सूखने के बाद हम इसे यूज़ कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि चूल्हा बन तो गया है। इनफैक्ट इसमें हमने किसी की हेल्प नहीं ली, किसी से पूछा नहीं, और इवन टिया ने गूगल पर सर्च किया था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं हमें। उसमें बहुत डिफरेंट तरीके के चूल्हे थे, वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो मुझे जितना याद था कि जितना जिस तरीके से बन सकता था, जितना मैंने देखा था गांव में, तो उस तरीके से मैंने बना दिया है। आई एम श्योर जिसको आता होगा चूल्हा बनाना, वो मेरा चूल्हा देख के बहुत हंसने वाला है। बट प्लीज़ ये सोच के इग्नोर कर देना कि इनको आता नहीं है बनाना, इसीलिए जैसा बना है बस वैसा बन गया है। तो प्लीज़ जिसको चूल्हा बनाना आता है वो थोड़ा कम निकालना, बट मुझे पता है कि कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इसका यूज़ होता है या नहीं। वैसे तो देखिए ये टेम्प्ररी है, सिर्फ एक एक्टिविटी है कि ठीक है कुछ हमने किया, और इवन बच्चों को पता चलेगा कि किस तरह से घर में पहले चूल्हा बना के खाना बनता था, और कितना खाना वो टेस्टी भी बहुत होता है। तो मैं तो इवन बच्चों को खिलाना चाहती हूँ कि देखिए चूल्हे के खाने में और गैस पर बनने वाले खाने के टेस्ट में कितना फ़र्क होता है। तो इसलिए ठीक है, ये भी एक लॉकडाउन में होने वाली एक क्रिएटिविटी है, तो इसको सिर्फ एज अ क्रिएटिविटी ले। बहुत ज़्यादा मैं इसमें ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बना रही हूँ, ये जस्ट एक टाइम पास है। जल्दी से भगवान करे ये लॉकडाउन ख़त्म हो और हम जल्दी से अपने काम पर जाएँ और आपको नई नई जगह पर घुमाएँ। तब तक के लिए ये देखते रहिए और इन्हीं से काम चलाइए। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद टेढ़ा मेढ़ा चूल्हा बन गया है, और आज इसको अब हम थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं, जिसको लिपाई कहते हैं। की है मैंने लिपाई तो की है पहले, लेकिन देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा पतला करना पड़ेगा, आई थिंक इसको और पतला है ये ऑलरेडी। अच्छा, पतला है ऑलरेडी। ये आपने बनाया ना, देखो आपने शेप अच्छी नहीं बनाई इसकी। मैं बनाती ना तो मैं इसको गोल गोल बनाती, आपने ऐसे ही रख दिया बस। एयर ले वहाँ से, सारी एयर इन्हीं में जानी है। अब हम चूल्हे को
ब्लैक से वाइट कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं इसका, फाउंडेशन लगा रहा है। फाउंडेशन तो फाउंडेशन की तो कलर है। हाँ, तेरे मुंह पे लगाऊं ना? मिट्टी वाला फाउंडेशन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, थोड़ा तो बेटर है, अच्छा लग रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि चूल्हा हमने कभी पहले बनाया ही नहीं था, कुछ नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन बिना पूछे बिना किसी की हेल्प लिए इतना भी बन गया है तो अच्छा ही लग रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई चीज़ हम करते हैं और वो कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली। मतलब ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन खाना हम ज़रूर इस पे बना के दिखाएंगे और खाएंगे भी, तो होपफुली ये सक्सेस ही है। तो चूल्हे को देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि मेहनत सफल हो गई है, अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार बनाया है और कंप्लीट हो गया है। हालांकि दिन में जब दो बार ही, अभी पिछले दो दिन से बारिश हो रही थी तो मुझे तो लग रहा था कि शायद ये कहीं बह ना जाए, लेकिन बच गया। और दो दिन इसलिए इसको सूखने में भी लगे, लेकिन अभी हम लोगों को कल पहले हम जाएंगे लकड़ियाँ लेने, क्योंकि यहाँ पर ना पहले के टाइम पर लोग उपले जो गोबर से बनते हैं उसमें भी बड़ी अच्छी आग लगती है, लेकिन मैंने यहाँ पता किया आसपास, मुझे कहीं कोई मिला नहीं, अदरवाइज़ हम लोग वो ले लेते, लेकिन अभी क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमें लकड़ियाँ ढूंढनी है। और लकड़ियाँ भी वो पतली वाली लकड़ियाँ तो बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो कुछ ठोस मोटी वाली लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी जो एटलीस्ट एक दो बार का खाना जो हम बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि चूल्हे का खाना एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है। और मुझे हमेशा मन मतलब करता था कि खाएंगे चूल्हे, कोई चूल्हे की रोटी खिलाने के लिए हमें इनवाइट करे तो हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन किसी ने इनवाइट किया नहीं, तो इसीलिए अब लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है तो इस तरह की क्रिएटिविटी कर लेनी चाहिए। तो हम जल्दी से अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम आपको खाना बनाकर खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे, तो देखेंगे उसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप कुछ कॉमेंट्स में मुझे टिप्स अगर लिखकर देना चाहें कि हम क्या और कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है, पार्टी पूरी करने के लिए बहुत मेहनत है, तो आप अगर अपने कुछ कमेंट्स कुछ टिप्स देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो देखिए सूर्य देवता आ गए हैं, आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं वॉक के लिए, लेकिन हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और आज का मिशन है हमारा लकड़ियाँ इकट्ठे करना, तो जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं। और क्योंकि इस रास्ते में हमने देखा है, आते टाइम हमने देखा था कि काफ़ी हैं, तो अब सोच रहे हैं कि वापस जाते हुए थोड़ा सा इकट्ठा कर लें और उसके बाद स्कूटर पे रख के आराम से ले जाएंगे। तो देखते हैं कितनी लकड़ियाँ मिलती हैं। थोड़ी सी मोटी लकड़ी चाहिए इसलिए ढूंढना पड़ रहा है। आई थिंक ये वाले भी अच्छे ठीक है। पत्ते भी हैं साथ में। तो लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, अब थोड़ा सा और वॉक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है। आई मीन सुबह सुबह ना, क्योंकि जंगलों में यही फ़ायदा होता है वॉक करने का, एक तो फ्रेश एयर तो मिलती है, साथ में अच्छा बहुत लगता है क्योंकि पेड़ दोनों तरफ पेड़ दिख रहे हैं। और आज हम रोड पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं क्योंकि हमें लकड़ियाँ ढूँढनी थी। पर मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी आपके साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने देखा होगा मेरा हमने एक वीडियो बनाया था ओशो गंगा धाम का, तो काफ़ी लोगों ने देखा है, इवन उसके 1,00,000+ व्यूज़ हैं। लेकिन उसमें और एक जो डॉग हमें मिला था वहाँ पे टाइसन, बहुत ही मैं कहूँगी इंटेलिजेंट डॉग, और उसको क्योंकि पेट से देखिए सभी को बहुत प्यार होता है,
एंड आई एम श्योर अगर आप भी अपने घर में, आपके घर में अगर कोई पेट है तो आप उसे अपने बच्चे की तरह रखते हैं. लेकिन जब मैंने उसको उसमें बोला गुड बॉय, तो मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स उसमें, मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि आपने डॉग को बॉय से कंपेयर किया है, ये गलत है, ही इज़ नॉट अ बॉय, ही इज़ अ डॉग. तो मुझे ना बड़ा अजीब लगा क्योंकि हमने भी ना अपने घर में पहले बहुत सारे डॉग्स पाले हैं, और इवन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं या मेरे हस्बैंड या बच्चे कोई भी उनको मतलब एज अ डॉग इस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं. हम लोग अपने बच्चे की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे. लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये डॉग है, आपने इसको बॉय क्यों बोला, या इवन उन्होंने यहाँ तक, कल तो एक मैसेज आया हुआ था मुझे, कमेंट आया हुआ था कि आप इसको गंगा जी में, ये देखो कुत्ता पानी पी रहा है, तो गंगा जी को ये ख़राब कर रहा है, गंदा कर रहा है. जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो तो बेचारा सिर्फ पानी पी रहा था. लोग तो उसमें इतनी गंदगी करके जाते हैं क्योंकि खुद हमने अपनी आंखों से देखा है, कपड़े धोते हैं और क्या 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 नहीं करते हैं. तो इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुत्ते से ज़्यादा तो इंसान गंदा कर रहा है गंगा जी को. और गंगा जी, हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि गंगा जी सिर्फ हम इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है? तो अगर उसने पानी पी लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इसमें गुनाह हो गया. और गंगा जी को गंदा उसने ऐसा क्या कर दिया? अगर वो कोई पानी किसी के पीने से अगर उसकी प्यास बुझ रही है, तो आई थिंक गंगा माँ को तो और अच्छा लगेगा कि मैं किसी की प्यास बुझा रही हूँ. आई थिंक एक बार के खाना बनाने के लिए काफ़ी लकड़ियाँ हो गई हैं, बस कम ना पड़ जाए. लेकिन आई स्वेयर कितना मेहनत का काम है ये. चूल्हा भी देख ले. अरे वाह, देखिए चूल्हा हमारा ऑलमोस्ट पूरा रेडी लग रहा है मुझे, और सुंदर भी लग रहा है. ये वाइट होने के बाद ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हार्ड हो चुका है. तो तैयारी करते हैं शाम को खाना बनाने की. और अभी सोचना ये है कि खाना बनाएंगे क्या इसमें, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि हम क्या खाना इजीली बना सकते हैं. तो कमेंट कीजिए और फिर देखते हैं क्या बनाते हैं. तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चूल्हे के नाम पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस चूल्हे को बनाने में. और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव.